शेर और खरगोश। यहाँ बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक शेर आया। वह बहुत खतरनाक था, जब चाहता किसी भी जानवर को खा लेता। इस बात से परेशान होकर जंगल के सभी जानवरों ने एक फैसला किया और शेर से मिलने पहुंचे। जंगल के सभी जानवरों ने एक फैसला किया है। क्या सोचा है? हम में से हर रोज एक जानवर आपका भोजन बनकर आएगा। आपको शिकार ढूंढने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है, मगर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? महाराज, अगर आप इसी प्रकार रोज जानवर खाते रहे तो जंगल खाली हो जाएगा और आपको खाना भी नहीं मिलेगा। सारे जानवरों की बात सुनकर शेर ने कहा, ठीक है। अब हर रोज एक जानवर भोजन बनकर शेर के पास जाने लगा। एक दिन जब खरगोश की बारी आई, वह जानबूझकर देरी से पहुंचा। इतनी देर कहां थे तुम? तुम्हें खाकर तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। महाराज, मेरे साथ एक और जानवर भी आया था, मगर क्या हुआ? महाराज, रास्ते में एक और शेर मिला और उसने उसे खा लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस जंगल में मेरे सिवा और कोई शेर नहीं हो सकता। कहाँ है वो शेर? मुझे दिखाओ। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे भोजन को खा सके? चलिए महाराज, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। महाराज, वो शेर इसी कुएं में छिपकर बैठा है। शेर ने उस कुएं में झांका। पानी में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। शेर दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और वहीं डूबकर मर गया। छोटे से खरगोश ने अपनी समझदारी से अपनी और सभी जानवरों की जान बचा ली। सभी जानवर खरगोश की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और उसके बाद सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!